फ्रेंड्स, फूरियर ट्रांसफॉर्म का 4.21 का कुछ पार्ट तो हमने किया था, बाकी के पार्ट हमने दो तीन क्वेश्चन लास्ट के छोड़ दिया था। बताया था कि इसके लिए आगे थ्योरी कुछ बताएंगे, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसा कि पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हम सीख चुके हैं, तो आज हम 4.21 का एच पार्ट का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें एक पीरियोडिक सिग्नल दे रखा है और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड किया जाता है ये पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। यहां भी देख लें, कोई एक्स टी अगर पीरियोडिक है तो एक्स जे ओमेगा का फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी 2 पाई ए के डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ये स्पेशल फॉर्मूला लगता है, मतलब नॉर्मल सिग्नल से अलग ये फॉर्मूला लगता है, जहां की एके आपका एके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट है। मतलब कोई अगर पीरियोडिक सिग्नल दिया हुआ है और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड फूरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ एके ऑफ द सिग्नल। तो इस सिग्नल में हम एके फाइंड करेंगे। एके के लिए ये देखते हैं इसका टाइम पीरियड कितना है। 0 पे 2 है एंड 2 पे भी 2 है, 4 पे भी 2 है, तो 0 के बाद 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 के, मतलब 2 टाइम पीरियड से ये रिपीट कर रहा है सिग्नल। इसका टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 है, ओमेगा नॉट निकालेंगे तो 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई अपॉन 2 इक्वल टू पाई, ओमेगा नॉट इज पाई। तो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला लिखें, ए के इक्वल टू होता है 1 बाई टी इंटीग्रेशन विद इन 1 टाइम पीरियड एक्स टी टू डी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट पहले इसका निकाला जाए, फिर फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट की वैल्यू ए के की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो एक्स टी का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट, एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल जा रहा है, निकल जाएगा। आप देख रहे हैं मैथोसी प्रो चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। थोड़ी सी बात है कि एक्स टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हमने बताया था कि 1 टाइम पीरियड में लिमिट लेना है, तो लिमिट इस तरीके से लेंगे कि जो इंपल्स है, अगर इंपल्स वाले का इंपल्स ट्रेन का इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट इस तरीके से लेंगे कि इंपल्स या तो कंप्लीटली लिमिट के इनसाइड हो या कंप्लीटली आउटसाइड हो, बाउंड्री पे इंपल्स नहीं होना चाहिए ना। तो 1 टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू 2 है, तो कहां से कहां तक मैं ले लेता हूं माइनस 0.5 से 1.5 तक, रेंज तो 2 ही होगा ना इसका, माइनस 0.5 से 1.5 तक का इंटीग्रेशन करता हूं, 1/2 माइनस 0.5, एक टाइम पीरियड के रेंज में आप किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक इंटीग्रेशन कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। इंपल्स ट्रेन का इंटीग्रेशन करते समय बस ये ध्यान रखता है कि इंपल्स जो है वो बाउंड्री पे नहीं होना चाहिए, या तो कंप्लीट इनसाइड होना चाहिए, कंप्लीट आउटसाइड होना चाहिए। तो इनसाइड में क्या क्या आ रहा है इन दोनों के बीच में, 0 पे 2 मतलब 2 डेल्टी प्लस 1 पे 1 मतलब डेल्टी माइनस 1, 1 पे जो कोई वैल्यू होती है वो डेल्टी माइनस 1 इक्वल टू 1 पे, तो e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं इसको, 1/2 इंटू 2 माइनस 0.5 टू 1.5 डेल्टी टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है, प्लस 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस 0.5 टू 1.5 डेल टी माइनस 1 ई टू डी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। अब डेल टी वाले का कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, फॉर्मूला बता चुके हैं, T1 टू T2 एक्स टी डेल टी माइनस टी नॉट डी टी इक्वल टू होता है एक्स टी नॉट, अगर टी नॉट लिमिट के अंदर आ रहा है तो, अगर टी नॉट लिमिट से बाहर आ रहा है तो 0 होता है, तो एक्स टी में टी इक्वल टू टी नॉट हम पुट कर सकते हैं, बस इतना ही करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन,
इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी। अब टी माइनस जीरो है, जीरो इस लिमिट के अंदर आ रहा है, तो टी इक्वल टू जीरो इसमें पुट कर दे। इसमें टी माइनस वन है, टी नॉट के प्लेस पे वन है, तो वन पुट कर देंगे। e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डिवाइड में लिखने की जरूरत नहीं है, टी इक्वल टू वन पुट कर दे। तो टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू वन आ जाएगी, वन बाई टू। टी इक्वल टू वन पुट करेंगे तो e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट की वैल्यू पाई है, पाई पुट कर दिया जाए, वन बाई टू e टू दी पावर माइनस जे के पाई, वन प्लस वन बाई टू कॉस के पाई माइनस जे साइन के पाई। कॉस के पाई की वैल्यू, कॉस के पाई की वैल्यू माइनस वन टू डी पावर के होती है, माइनस वन टू डी पावर के होती है कॉस के पाई की वैल्यू। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार हमने ऐसे लिखवा भी चुका है। साइन के पाई की वैल्यू जीरो होती है, बहुत सारे लोग ना फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होते हैं उनके हिसाब से मैं जो भी वैल्यू यूज होती है, फॉर्मूले यूज होते हैं, वो मैं लिखवा भी देता हूँ। वन प्लस वन बाई टू इंटू माइनस वन टू डी पावर के माइनस जीरो, क्या आ गया हमारा, इक्वल टू आ गया वन प्लस वन बाई टू टू डी पावर माइनस वन टू डी पावर के, वन बाई टू इंटू माइनस वन टू डी पावर के। तो ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, एक्स जे ओमेगा के फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक्स जे ओमेगा इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी 2 पाई एके, एके की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 प्लस 1 बाई टू, 1 प्लस 1 बाई टू माइनस 1 टू डी पावर के डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, डेल ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, सॉरी डेल ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, तो माइनस के पाई आ जाएगा। ये आ गया पीरियोडिक सिग्नल, यही आंसर हो गया इसका। फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था, फूरियर ट्रांसफॉर्म यही हो जाएगा। इसको ओपन करके प्लॉट करना होगा, प्लॉट भी कर लेंगे। k इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो डेल ओमेगा होगा, मतलब ओमेगा इक्वल टू जीरो पे पाई की वैल्यू, k इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू पाई पे वैल्यू आएगी, ओमेगा इक्वल टू जीरो पाई टू पाई थ्री पाई ऐसे वैल्यू आती रहेगी। चाहे तो प्लॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करके प्लॉट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। देखिए खोलेंगे, के इक्वल टू जीरो पुट करेंगे माइनस वन टू डी पावर जीरो, वन वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू, तो टू पाई इंटू थ्री बाई टू हो गया डेल ओमेगा, ठीक है। अब के इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ओमेगा माइनस पाई, वन पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा वन माइनस वन बाई टू, मतलब टू पाई इंटू वन बाई टू, टू पाई इंटू वन बाई टू डेल ओमेगा माइनस पाई, फिर टू पाई इंटू थ्री बाई टू, मतलब ये हो गया थ्री पाई, फिर दोबारा आएगा टू पुट करेंगे तो सेम ही आएगा थ्री पाई डेल ओमेगा माइनस टू पाई, फिर वापस आएगा पाई आएगा ओमेगा माइनस थ्री पाई, ऐसे चलता जाएगा। निगेटिव पुट करेंगे माइनस वन पुट करेंगे तो वही वन बाई टू इंटू टू पाई आ जाएगा, तो प्लस पाई डेल ओमेगा प्लस पाई, ये भी पीरियोडिक टाइप का हो, पीरियोडिक ही हो गया समझिए, थ्री पाई डेल ओमेगा प्लस टू पाई। इसको प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे थ्री पाई है, जीरो पे थ्री पाई, एक्स जे ओमेगा प्लॉट कर रहा हूं, ओमेगा इक्वल टू पाई पे वैल्यू पाई है, फिर टू पाई पे फिर वापस थ्री पाई है, फिर थ्री पाई पे पाई है, फोर पाई पे करेंगे तो फिर वापस थ्री पाई आएगा, माइनस पाई पे पाई आएगा,
माइनस टू पाई पे थ्री पाई आएगा, तो ये भी टू पाई से यूनिक होगा, ये भी टू पाई से यूनिक होगा, ठीक है। इसे जितने भी पीरियोडिक सिग्नल है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज 2 पाई टाइम पीरियड से पीरियोडिक होता है, 2 पाई टाइम पीरियड से ही पीरियोडिक होता है, ठीक है। तो ये समझ गए, इसका हमने स्केचिंग करके भी दिखा दिया, प्लॉट करके भी दिखा दिया, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। 4.21 का एच भी हो गया, एक प्रॉब्लम शायद बच रहा है, तो भी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म 4.22 में है, फिर आगे धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। आप सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और इन सबसे भी ज़्यादा अगर आपकी इच्छा है कॉपरेट करने की, हेल्प करने की, तो शेयर करके रखना, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।